हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सुरई सुनहरी नर्सरी का टूर। नर्सरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे बॉन्साई रखे हुए हैं। कुछ के हाइट 4 फीट टू 6 फीट है और जो छोटे बॉन्साई हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, उनकी शेप भी बहुत अच्छी है, जिनका प्राइस 800 से स्टार्टिंग हो जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा रेंज है इनकी। बहुत ज़्यादा वैरायटी के बॉन्साई मिल जाएंगे। इनकी जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा है, 10 से 12 साल पुराने के बॉन्साई हैं। हैंगिंग बास्केट भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की हैंगिंग बास्केट्स हैं। इनका प्राइस मैंने नहीं पता करा। छोटे पौधे भी मिल जाती हैं, इनकी जो प्राइस है 10 से 15 रुपये है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं ये भी। यहाँ पे जो पॉली हाउसेस हैं वो 3 पॉली हाउस हैं और डिफरेंट टाइप के ही पॉली हाउस हैं। सेकलेंट्स अलग किए हुए हैं, फिर जो इंडोर प्लांट्स अलग किए हुए हैं और जो इनकी ये खुद जो पौधे तैयार करते हैं उसके लिए एक अलग पॉली हाउस है। बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें नर्सरी फैली हुई है। जो ये आप फर्स्ट पॉली हाउस देख रही हैं, यहाँ पे सारे सेकलेंट्स रहते हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ से सेकलेंट ही परचेज करती हूँ, बट कुछ सेकलेंट्स मेरे ख़राब भी हो जाते हैं। इस पॉली हाउस को एंटर करते ही यहाँ पे जो इतना बड़ा ये मॉन्स्टेरा प्लांट दिख रहा है, इसका जो रेट है जस्ट 250 है। बट ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ था, बट मैं इसे ले नहीं पाई क्योंकि इसे ले जाना बहुत मुश्किल था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही सेकलेंट्स लगे हुए हैं। इनकी जो रेंज है वो 80 से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे यहाँ पे कैक्टस की भी वैरायटी है और सेंसिवेरिया की तो मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी है यहाँ पे, जिसका जो प्राइस है 200 to 250 है। कैक्टस भी बहुत डिफरेंट टाइप के थे, बहुत बड़े कैक्टस भी थे और छोटे कैक्टस भी थे। ये खुद भी ग्रो करते हैं कैक्टस, और जो हमारे सेकलेंट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है ये खुद भी ग्रो करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े टब रखे हुए थे जिनमें ये सेकलेंट्स ग्रो कर रहे थे। फिर इस पॉली हाउस से हम बाहर निकले और हमने देखा यहाँ पे सर्दियों के लिए जो फूल्स हैं वो उनकी तैयारी कर रहे थे, और जो काम करते हैं जो नर्सरी में वो बहुत सारी लेडी आई हुई थी और सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल थे। रोज़ेस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, बहुत अलग अलग कलर के रोज़ मिल जाएंगे आपको। और नर्सरी में जगह जगह इन्होंने बॉन्साई सारी जगह रखे हुए थे, देख सकते हैं आप। साइड साइड में बॉन्साई ज़रूर मिलेंगी, बहुत सुंदर बॉन्साई हैं ये, देख रहे हैं ये 8 फीट हैं, 8-8 फीट के बॉन्साई हैं। हमसे भी मतलब डबल डबल बहुत ज़्यादा। इनमें फ्रूट्स भी लगे हुए देखे हैं मैंने, और ये टब में इन्होंने जो हमारे वाटर प्लांट हैं वो लगे हुए हैं। और जो ये पॉली हाउसेस देख रहे हैं आप, इनमें ये खुद जो मदर प्लांट से प्लांट तैयार करते हैं वो है। इसे हम बाद में कभी कवर करेंगे, अभी मैंने कवर नहीं करा है। बोगनविलिया की भी बहुत सुंदर रेंज है यहाँ पे। एक पर्पल कलर, पर्पलिश पिंकिश कलर का मैंने बोगनविलिया देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो भी। और ये जो थर्ड पॉली हाउस में सारे ही इंडोर प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये डेफिन की कुछ नई वैरायटी थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मैंने प्राइस वगैरह कुछ नहीं पूछा। ये सारे ही आपको मनी प्लांट से रिलेटेड और पोथोस मिल जाएंगे यहाँ पे। पोथोस के अलावा फिलोडेंड्रोन है, वो मैंने परचेज किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्रोटोन है, ये इनको क्या बोलते हैं, फर्न की वैरायटी है। बहुत फर्न भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के देखे हैं मैंने। अभी जो नर्सरी में पूरा फोकस विंटर के फ्लावर्स पे था और सेकलेंट्स में था, इस वजह से इंडोर प्लांट्स
बहुत कम दिखे हैं मुझे यहाँ पे, जस्ट नॉर्मली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वही दिखे, ऐसे कुछ इंडोर प्लांट की कोई ज़्यादा नई वेराइटी मुझे दिखी नहीं यहाँ पे, जस्ट नॉर्मल था। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ली बस, इसके बाद हम यहाँ से बाहर आ गए। इस नर्सरी में सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि जो यहाँ के ओनर हैं वो 1 रुपये भी कम नहीं करते हैं, लिटरली 1 रुपये भी नहीं कम करते हैं। और दूसरा जो रेंज है मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही प्राइस रहता है, बट ठीक है थोड़ा डिफरेंट प्लांट्स मिल जाते हैं हमें, इस वजह से मैं इस नर्सरी को विज़िट करती हूँ महीने में, और जब भी मुझे टाइम लगता है, जो भी मेरे पास टाइम वगैरह मिलता है, तो मैं इस नर्सरी में ज़रूर विज़िट करती हूँ। नर्सरी का पूरा डिटेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर कोई रुड़की से है और उस इस नर्सरी को विज़िट करना चाहता है, या बाहर से कोई देख रहा है वीडियो और वो कभी रुड़की आए और इस नर्सरी को विज़िट करना चाहे तो कर सकते हैं। विंटर स्टार्ट हो चुका है इस वजह से यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स का वैरायटी थी, और इनमें मैंने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप और फर्स्ट टाइम देखा, ये आप देख सकते हैं येलो येलो कलर के कुछ फूल हैं, मैंने इन्हें पहली बार ही देख रही हूँ मैं, और मैंने नेट में सर्च मारा तो ये कुछ लिली की वैरायटी थी और बहुत डिफरेंट कलर थे इनके, पर्पलिश पिंक येलो ऑरेंज इस टाइप के कलर थे। और नर्सरी के जस्ट फ्रंट में इस पॉली हाउस के से निकलने के बाद ये जो फ्रंट है गेट का, वहाँ पे सारी सेटिंग्स की वैरायटी लगी हुई थी। ये शायद अभी अभी इन्होंने जो इनका परचेज करते हैं ये नर्सरी वाले अभी आए होंगे, वो तो बहुत सारे सेकलेंट्स रखे हुए थे। ये इनका जो प्राइस था 200 के अराउंड था, ये भी काफ़ी सुंदर और डिफरेंट टाइप के थे, और इन देख सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं।